नाना पाटेकर ने की प्रकाश झा की तारीफ, नॉकआउट हुई पुष्पॉन, अनुपम खेर बनेंगे क्विज मास्टर, एक्ट्रेस का डी ग्लैम अवतार। बॉलीवुड में इन दिनों एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और ये ट्रेंड है नो मेकअप लुक का, जिसे अपना रही हैं बॉलीवुड की टॉप नॉच एक्ट्रेसेस जैसे रानी मुखर्जी, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, बिपाशा बासु और कैटरीना कैफ। ये सारी ऐसी ग्लैमरस एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी ग्लैमरस इमेज से ऑडियंस का दिल चुरा ले जाती हैं। जरा सोचिए, अगर ये सारी एक्ट्रेसेस बिना मेकअप के बिग स्क्रीन पर आ जाएं, तो नजारा कैसा होगा। जी हाँ, इन ग्लैम डॉल्स ने अपनाया है देसी अवतार। ये कर रही हैं अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट, जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल साबित हो रहा है। इन्होंने अपनाया है नो मेकअप लुक, लेकिन फिर भी ये लग रही हैं काफी स्टनिंग। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सी सायरन दीपिका पादुकोण की। दीपिका आशुतोष गोवारिकर की पीरियड फिल्म खेले हम जी जान से में सिंपल कॉटन साड़ी पहने नो मेकअप लुक स्पोर्ट करती दिख रही हैं, एंड स्टिल शी इज लुकिंग गॉर्जियस। वैसे इससे पहले दीपिका ने लव आजकल के कुछ सीन्स में अपने सटल मेकअप से काफी तारीफें बटोरी थी। और बॉलीवुड की मच टॉक्ड अबाउट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को हम कैसे भूल सकते हैं भला। कैटरीना ने तो राजनीति इस फिल्म से ये साबित कर दिया कि जितनी ग्लैमरस वो मेकअप लगा के नजर आती हैं, उतनी ही खूबसूरत वो बगैर मेकअप के भी दिख सकती हैं। भारी भरकम साड़ियों से लेकर बिकिनी टॉप पहने तक, रानी मुखर्जी ने तो अपने 13 साल के करियोग्राफ में सब कुछ ट्राई कर लिया और अब वो हमें कम से कम मेकअप में दिखाई देंगी नो वन किल जैसिका में, और उनकी को स्टार विद्या बालन भी इस फिल्म में नो मेकअप ट्रेंड को फॉलो करेंगी। वैसे कुछ सालों पहले डोर इस फिल्म में दिखाया गया आयशा टाकिया का डी ग्लैम लुक, जो आज भी सबको याद है। आयशा ने अपने सिंपल और नेचुरल अंदाज से ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स का भी दिल जीता। फिर इस लीग में शामिल हुई प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, पिगी चॉप्स जिन्होंने दोस्ताना में अपने स्टाइल और उम फैक्टर से सिल्वर स्क्रीन पर आग लगाकर सबको सरप्राइज कर दिया, वो अपनी अगली फिल्म कमीने में बिना मेकअप के नजर आईं। प्रियंका इस फिल्म में बनी थी एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रन लड़की, तो जाहिर सी बात है उन्हें सिंपल लुक में नजर आना था। प्रियंका की मेहनत रंग लाई, जिसके लिए उन्होंने काफी वाहवाही बटोरी। वेल, ये देखकर तो यही लगता है कि गया वो जमाना जब एक्ट्रेसेस को सिर्फ सजा धजा कर स्क्रीन के सामने लाया जाता था। आज की एक्ट्रेसेस अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं कतराती। वे टू गो गर्ल्स। नाना पाटेकर और प्रकाश झा की ऑन ऑफ दोस्ती के बारे में हर कोई जानता है। कुछ दिन पहले नाना ने राजनीति का प्रीमियर अटेंड नहीं किया और अब फिल्म की सक्सेस के बारे में सुनने के बाद कहते हैं, आई नेवर डाउटेड प्रकाश's इंटेंशंस व्हाइल मेकिंग द फिल्म। ही डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर मेकिंग इट एग्जैक्टली द वे ही हैड एनविजनड इट। आई स्ट्रांगली फील दैट राजनीति इज नॉट अ फिल्म दैट वुड फेच अ ग्रेट स्टार्ट एंड फिजल आउट। दिस मूवी हैज लॉन्ग लेग्स। संजय दत्त, इरफान खान और कंगना रनौत स्टार अ फिल्म नॉकआउट होगी सितंबर 10 को रिलीज। वैसे पहले ये फिल्म जुलाई 16 को रिलीज की जाने वाली थी, मगर फिल्म के डायरेक्टर संजय दत्त स्टारर लम्हा के साथ अपनी इस फिल्म को कंप्लीट नहीं करवाना चाहते थे। दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन द रिलीज। बच्चों के साथ टीवी शो करने के बाद अब अनुपम खेर होस्ट करेंगे जेन नेक्स्ट के लिए एक इंटरैक्टिव क्विज फॉर्मेट शो, जिसमें बच्चों से इंडिया से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अनुपम खेर इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।